सो हाय एवरीवन, दिस आर सारे योर टीचर गाइड एंड टू फ्रेंड। तो गाइस, ये है तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का साइंस का पेपर गाइस कैसा आएगा। हाँ यार, जैसे कि तुम जानते हो गाइस, इस चैनल पे मैं तुम्हें ऐसे बहुत से अमेजिंग जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, जिससे यार तुम डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो अपनी जर्नी गाइस अभी तक चली है, इसे बिल्कुल सक्सेसफुली हम अचीव करेंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि यार तुम सब अपनी जो परसेंटेज चाहते हो बोर्ड एग्जाम में वो उससे अचीव करो। ठीक है, चार अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत से अमेजिंग वीडियोस तुम्हें यहाँ मिलेंगी। चार देखो, साइंस का मैं तुम्हें गाइस ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जो कि एज इट इज तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। कुछ ऐसा एनालिसिस मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा जो कि गाइस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अभी जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें। ठीक है, चार देखो, यहाँ मैं तुम्हारे सामने अगर तुमसे कहूँ कि गाइस तुम चाहे किसी भी बुक से सैंपल पेपर्स लगा रहे हो या PYQs लगा रहे हो इस समय, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इस समय काफ़ी स्टूडेंट का जो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली तुम भी जो अपने सैंपल पेपर्स PYQs कुछ ना कुछ लगा रहे होगे। ठीक है, तो यार देखो, स्पेशली आज हम बात करने वाले गाइस यहाँ पर साइंस की। ठीक है, तो देखो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है यार, वो है तुम्हारी NCERT। हाँ देखो, ये बात मैंने तुमसे Day 1 पे भी कही है, इवन जब तुम अपना एग्जाम देने जाओगे तब तक ये बात मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, NCERT एक बहुत चीज है ना जो कि तुम्हें डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों यार? देखो, काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम है वो तो बड़ी चीज है, NCERT तो एक बहुत सिंपल सी बुक है, उसमें सिंपल लैंग्वेज है, उससे मतलब जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट नहीं होता। हमें तो मतलब ऐसे बुक चाहिए जिसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो, वहां से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यार देखो, ये चीज काफी हद तक ठीक है, लेकिन गाइस हम यहाँ बात करें तो गाइस 80% आपका जो पेपर गाइस NCERT से ही बनता है, और ये चीज मैं तुम्हें आज यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ। कैसे? तो यार देखो, मेरे सामने यहाँ तुम्हारा CBSE का सैंपल पेपर है इस साल जो उन्होंने भेजा है, तो इसमें देखो गाइस, इसमें तुम्हें एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा वो कैसे NCERT से उठाया गया है। देखो हमारे सामने गाइस, इसमें MCQ नंबर 1 है। ठीक है, तो देखो यार, ये जो है ना, ये तुम्हारी एक्टिविटी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, तो तुम इसे गाइस अपनी बुक में जो है पेज नंबर 11 पे अगर तुम खोलोगे NCERT का, देखो साथ साथ जो है ना बुक उठा लो अपनी, और अभी देखो इन्हें क्या कि अपनी NCERT लो और उसका गाइस पेज नंबर 11 खोलो, उस पर तुम्हें सेम ये एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, और जैसे कि इसमें गाइस हमारे सामने क्वेश्चन पूछा भी है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट अ सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई है बेसिकली जो प्रोडक्ट निकलेंगे उसमें से सॉलिड स्टेट में कौन सा होगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। तो गाइस देखो, ये एक्टिविटी अगर तुम NCERT में देखोगे तो इसका आंसर गाइस बहुत ही आसानी से तुम दे सकते हो, जो कि बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यार देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन बन जो कि MCQ है वो मैंने तुम्हें दिखा दिया, एज इट इज NCERT की जो एक्टिविटी है उसे उठाया गया है। इसलिए कहता हूँ गाइस, जो NCERT की एक्टिविटीज है वहां से जो है बहुत सारे MCQs बनते हैं। देखो क्वेश्चन वहां से बनना बहुत कम चांस है, लेकिन गाइस जो MCQ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा तुम्हारी जो एक्टिविटीज है, खासकर गाइस केमिस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटीज है ना यार, उन्हें बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस NCERT उठाओ, उसके आसपास के जो लाइनें लिखी है ना एक्टिविटी के गाइस, उन्हें अच्छे से पढ़ लो, जो रिएक्शन दिए उस अच्छे से याद कर लो, बहुत है। ठीक है, और हाँ देखो, यहाँ हमारे सामने जो गाइस सेकंड क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो गाइस ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो गाइस ये भी एक एक्टिविटी है जो कि मैं तुम्हें दिखा दूँ, बेसिकली इसका आंसर सी है जो कि कलरलेस। ठीक है, तो गाइस देखो, सेम एक्टिविटी तुम्हें अपने पेज नंबर 10 पर मिल जाएगी, जिसमें हमने जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसका जो कलर है गाइस वो चेंज हो गया, कलरलेस हो जाता है। जब उसमें गाइस हम बात करें इसमें आयरन नील की, इसमें देखो क्या रखा है कि जिंक मेटल। ठीक है, उसे हम जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो कलर है आधे घंटे बाद वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी NCERT से। अब यार देखो, ये है तुम्हारा सैंपल पेपर जो कि इस साल CBSE ने भेजा है। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें बहुत सारी चीज दिखाऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल NCERT के लगेंगी। देन इसमें देखो गाइस, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, अब इसमें देखो चार ऑप्शन दिए। अब यार तुम सोचोगे भैया ये क्वेश्चन NCERT से कहां से आ गया, ये लाइन तो हमने कभी पढ़ी नहीं बुक में। तो गाइस मैं तुम्हें ध्यान से दिखा दूं, अगर तुमने बुक NCERT अपनी एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ी है तो देखो इसमें तुम्हें गाइस जो तुम्हारा पेज नंबर बेसिकली यहां पर हमारा 31
वन है उसे खोलो, उसमें गाइस तुम्हें आ रहे सामने जो बेकिंग सोडा वाला पैराग्राफ है ना, उसमें देखो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें गाइस जो सेकंड लाइन है वो तुम्हें दिखेगी। इसमें हमारा NaHCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गाइस वो एक नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो यार देखो ये लाइन भी एनसीईआरटी से ली गई है, तो एक एक जो बिल्कुल बारीकी में गाइस लाइन दे रखी है ना वहां से क्वेश्चन बनना है। तो देखो कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम का लेवल बहुत आसान है, बस ये है कि तुमने एनसीईआरटी जितने अच्छे से पढ़ी होगी तुम्हारा एग्जाम उतने अच्छे से होगा। और हाँ यार वो स्टूडेंट भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत कम स्टडी की है, मतलब अभी तक कुछ अता पता नहीं है नंबर्स का, तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम एनसीईआरटी को अब से लेकर अगर एग्जाम तक भी घिसोगे ना गाइस तुम डेफिनेटली 70+ ले आओगे। अगर हम उसमें इंटरनल ऐड कर दें तो वही 90+ हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो इन चीज़ों का तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और यार देखो इतने ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स में भी दिखाता हूँ, ये तो चलो एमसीक्यू हो गए, बल्कि जो गाइस अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं जैसे कि गाइस इसमें हमारे सामने जो 21 वाला क्वेश्चन है इसमें तुम देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डायल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स हाउ विल यू प्रूव द केमिकल चेंज हैज बीन प्लेस हियर सपोर्ट योर आंसर रिस्पॉन्स विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें गाइस हमसे पूछा है कि अगर हम डायल्यूट हाइड्रोजन जो क्लोराइड है उसे उसमें जो है जिंक ग्रेन्यूल्स जो है ऐड करेंगे तो गाइस जो हमारे बेसिकली उसका जो रिजल्ट है उसका जो केमिकल चेंज है वो क्या होगा। तो यार देखो इसे तुम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो हमारे बुक में गाइस, ये बहुत इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि है गाइस हमारे पेज नंबर 19 पे जो कि गाइस इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें ऑब्जर्वेशन बतानी है हम क्या क्या देखेंगे। तो गाइस देखो इसका आंसर तुम क्या लिख दोगे बेसिकली कि एक तो हमें चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन कलर, ठीक है, ये सब हमें इसमें दिखेगा। तो यार देखो ये इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली। तो यार हर एक क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो या तो हमारे बेसिक कंसेप्ट जो है वहां से उठाया गया है या गाइस हम बात करें यहाँ पे जो एक्टिविटीज है गाइस वहां से उठाया गया है। और ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे जो कि एक्टिविटीज हैं, तो हर एक एक एक्टिविटी जो कि तुम्हारे केमिस्ट्री में दे रखी है उसे अच्छे से पढ़ना। और स्पेशली मैंने तुमसे कही गाइस एनसीईआरटी हर एक लाइन पढ़ के जाओ, भले ही तुम कितने पीवाईक्यूज लगा लो कितने सैंपल पेपर्स लगा लो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं तुमसे काफी बार कही भी है कि उन्हें लगाओ, साथ ही साथ गाइस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है ये सोच के पढ़ो ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए भी तो वो तुम्हें नया नहीं लगे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। देन गाइस देखो इसमें अब एक मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाता हूँ जो कि तुम्हारे सैंपल पेपर्स में बेसिकली दे रखी है, जो कि गाइस तुम्हारे जो मार्किंग स्कीम है उसमें दे रखा है क्या, जो कि गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है उससे देखो, ठीक है। तो गाइस देखो जो क्वेश्चन नंबर 37 है बेसिकली इसमें भी हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि तुम्हारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया है, ठीक है। तो यार देखो ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन, लेकिन इसका जो गाइस मार्किंग स्कीम में तुम आंसर देखोगे उसमें गाइस तुम्हें दिखेगा कि ये जो हमारा इसका आंसर दे रखा है गाइस उसमें तुम्हारी जो एनसीईआरटी का रिएक्शन है वो जो तुम्हारी बुक है गाइस उसके कटआउट यहाँ दे रखे हैं। तो यार ये एक डायरेक्ट मैसेज है सीबीएसई का कि वो जो है तुम्हारा पूरा पेपर कंप्लीटली गाइस एनसीईआरटी से ही सेट करते हैं। और यार देखो तुम खुद देख सकते हो ये एनसीईआरटी के कटआउट तुम्हारी बुक में दे रखे हैं जो कि तुम्हारी बुक में बेसिकली रिएक्शन दे रखी है उन्हें यहाँ चिपका दिया है। हाँ यार देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यार बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो जो भी गाइस इस साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें खास ध्यान रखना है अपनी एनसीईआरटी का। हाँ यार देखो तुम इस समय भले अलग अलग जो है पीवाईक्यूस लगा लो सैंपल पेपर लगा लो, लेकिन गाइस अपनी एनसीईआरटी को मत भूलना। और इसका मैं तुम्हें प्रूफ दिखा दूंगी गाइस तुम्हारे एनसीईआरटी से 80% लगभग पेपर बनता है कैसे। तो देखो यहाँ हमारे सामने साइंस का सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई ने इस साल भेजा है, इसमें गाइस तुम खुद देख सकते हो ये जो कटआउट तुम्हारी मार्किंग स्कीम में दे रखे हैं ये एनसीईआरटी की बुक की एज इट इज जो हम कहें रिएक्शन है, ठीक है। तो यार देखो इस हद तक जो है एनसीईआरटी तुम्हारी यूज की जा रही है एक क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए। यार देखो सीबीएसई का डायरेक्ट मैसेज है कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि गाइस तुम सब एनसीईआरटी से अपनी सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कवर कर चुके होगे। तो गाइस आई होप तुमने इस एनालिसिस से समझ लिया होगा कि यार एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये बात तुम्हें भी पता है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं यार इसे तुम जितने डीपली पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनना है। देखो मैंने तुम्हें जो एक लाइन दिखाई थी अपना जो थर्ड वाला एमसीक्यू था उसके गाइस वो बिल्कुल डीपली पूछा गया है, ठीक है। तो यार देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार देखो यहीं से तुम्हारा बेसिकली पेपर आना है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बाकी यार देखो एक जो मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट बताया था कि कोई भी जो पेपर गाइस उसका अगर हम एक मेजर
पोर्शन देखें तो वो बिल्कुल मतलब एक बेसिक लेवल का रखा जाता है, जिससे जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो भी कर ले, ठीक है। देन गाइस उसका एक ऐसा जो पोर्शन होता है बहुत छोटा सा, हम कहें गाइस 5% पोर्शन ऐसा होता है जो कि ये जज करता है कि क्या तुम टॉपर बनोगे। क्यों? क्योंकि गाइस उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कि जज करते हैं बेसिकली कि बच्चे ने पूरे साल जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कितने अच्छे से उस समझ में आए हैं, ठीक है। तो यार वो वाले जो ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस वो भी बेसिकली आएंगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी से ही, लेकिन गाइस उसके लिए अगर तुम एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यू स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो यार बस यही चीज़ों को फॉलो करो। साइंस में गाइस मैंने खुद 100 स्कोर किया है, एंड इस एक्सपीरियंस में तुम्हें कहता हूँ कि यार देखो ये चीज़ बहुत आसान है। अगर तुम अभी कहीं 90 तक भी अटक रहे हो ना तो तुम डेफिनेटली 100 के ख्वाब देख सकते हो। अगर तुम उससे कम गाइस 70 या 60 अगर तुम्हारे आउट ऑफ 100 हैं तो गाइस तब भी तुम 90+ ले आओगे बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टडी करके, ठीक है। तो यार बिल्कुल भी इससे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो बस यार यही था स्पीड में, बाकी यार स्टडी मटेरियल मैं तुम्हें कंटिन्यूअसली टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ पे कम्युनिटी बनी है बहुत सारे स्टूडेंट की जो कि आपस में बेसिकली चैट भी करते हैं, अपने डाउट पूछते हैं, तो यार तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलेगा इसे यही था स्पीड में, मिलते हैं अगले सुपर टॉप अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।